सोमवार का दिन बहुत खास होता है। सोमवार के दिन अगर आप नज़र बाधा से ग्रसित हैं, टोने टोटके से ग्रसित हैं, नेगेटिव इफेक्ट होता है, आपको कोई घूरता रहता है जिसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो गए हैं, आपको डर लगता है, भय लगता है, तो सभी चीज़ों के लिए कारगर है 7 बार आपको मुंह धोना है इस चीज़ से जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस चीज़ से मुंह धोने मात्र से ही आपकी सब परेशानी मिट जाएगी, सब बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। क्या है वो चीज़ जिससे आपको मुंह धोना है और 7 बार मुंह धोना है और ये शब्द भी बोलने हैं तो आपको लाभ होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स सब्सक्राइबर आपका स्वागत है। आप यूं ही तरक्की करते रहें, खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, इसी ब्लेसिंग्स को देते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल पर विजिट करने आए हैं तो आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में है, पूजा पाठ में है, तो ये चैनल बहुत काम आ सकता है। टाइम टू टाइम हम आपको डिफरेंट मोटिवेशनल वीडियो भी बना के देते हैं जिससे आप प्रेरित होकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। मित्रों, कई बार ऐसा होता है हमारी पड़ोसी ने, आने जाने वाले सड़क के लोग हमको एक टक बांधे देखते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है कि आप अगर आप हाथों को उल्टा सीधा घुमा के डायरेक्शन में देते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये हर किसी को आता भी नहीं है और संभव भी नहीं होता और हर किसी को समझ में भी नहीं आता है। अगर आप क्रॉस लग करके खड़े हैं तो अब भी आपको तंत्र मंत्र प्रभावित नहीं करते हैं, नज़र बाधा टोक कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर किसी को इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो आप 7 बार कच्चे दूध से मुंह धो लीजिए, तत्पश्चात 7 ही बार आप गंगा जल डाल के मुंह धो लीजिए सादा पानी से और ओम नमः शिवाय का 7 बार जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप 7 बार भी भोलेनाथ का नाम जपते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उससे पूर्व आप कच्चे दूध से मुंह धो लेते हैं, उस तत्पश्चात आप सादा पानी में गंगा जल डाल के फेस वॉश कर लेते हैं, तो आपको कोई भी तंत्र मंत्र प्रभावित नहीं करता है, बल्कि इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ता है, कोई भी बुरी बाधा आप पर नहीं आती है। तंत्र मंत्र तो बहुत कोसों दूर की बात है, आपको सामान्य बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ये काम करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। अभी मंडे ऑफ़र चल रहा है, जो कल आखिरी दिन है उसका, उस ऑफ़र का। इसके तहत 1000 में आप जन्म पत्री से संबंधित एक सवाल पूछ सकते हैं, वास्तु दोष निवारण के उपाय पूछ सकते हैं, एक सवाल पूछना पड़ता है, और पाम रीडिंग से संबंधित एक सवाल पूछ सकते हैं। ये सभी जानकारी लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ेगा। कल यानी सोमवार के दिन 12 बजे तक आप धनराशि बेच कर या हमारे से सवाल जवाब करके, मतलब सवाल प्रेषित करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो देर ना करें, ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है, लिए ही है और कल समाप्त हो जाएगा। फिर आपको एक सवाल के 2500 और 3 सवाल के 5000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए संपर्क करिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए। थैंक यू सो मच।